और एक मक्के ट्राई कर लेते हैं हम लोग। बढ़िया बात ना, 1800 बोल रहा है, फिनिश करके आना सब। हाँ थोड़ा सा भी सोर के नहीं आना, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा था। तो उस टाइम से भैया को मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे टिक करने के लिए, और आप लोग भी आ सकते हो। लेकिन मेरे को बहुत दुख लगा यार, ये मोनिटाइजेशन ऑन करने से भी कुछ फायदा नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप लोग का और एक नया ब्लॉग के साथ। फिलहाल ब्लॉग शुरुआत हो रहा है 9 बजे से, क्योंकि मैंने सुबह उठ के ही आज थोड़ा लेट करके सोया है मैंने, क्योंकि मेरे जब से आया यहाँ पे नींद पूरा नहीं हो रहा था, कल ही पूरा हो गया। मैंने जगह चेंज किया उसके बाद नींद पूरा हो गया। अभी मैं आज जो भी बाजार करना है, जो भी लेना है, आज पूरा कंप्लीट करके लेके रखना है मेरे को, क्योंकि बापू का साइकिल कल पहुँचेगा शनिवार को, और कल पहुँच लेगा तो मैं मंडे को चला जाऊँगा। अगर वो भाई बापू का साइकिल नहीं रहता तो मैं आज भी चला जा सकता, कल भी जा सकता था। लेकिन अगर मान लीजिए मैं जाऊं अभी साइकिल छोड़ के, लेकिन दोस्तों में लेने के लिए आना है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसी कारण यहाँ से बेचना गाड़ी में, और मैं गांव से और दोस्तों में आना पड़ेगा, तो इसी कारण वो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वेट कर रहा हूँ, एक दो दिन वेट करने के बाद चला जाऊँगा मैं मंडे। अभी जाता हूँ, क्या क्या सामान लेना है और बुक वगैरह भी लेना है, बुक रूम में भी जाना है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने बुक लेने के लिए मेरे को पैसा वगैरह दिया है। जाता हूँ अभी मार्केट। आज तो वेदर बहुत बढ़िया गया है, देखो एकदम धूप दे रहा है, मेरे ख्याल से धूप देगा अभी की बीच में, क्योंकि 30 तारीख तक था, मतलब 30 तारीख तक बारिश था, अभी तो 31 है आज, तो इसलिए धूप दे रहा होगा। देखो बढ़िया करके अच्छा लगता है यार, यार धूप देने में बारिश में बहुत ही मुश्किल है, क्या करें। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, पहली बार तो बुगू में जाऊँगा मैं। सामान इतना सामान तो नहीं लेना है, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ है हम लोग का घर में, ग्रोसरी नहीं लेना है मेरे को, बाकी जो भी एक दो चीज़ें लेना है बस। फिल्टर लेके जाना था, लेकिन मन का बोला है उस वाला फिल्टर मत लेके आओ, उसको बांग्लादेश वाला चाहिए, यहाँ पे बांग्लादेश वाला नहीं मिलता है, तो तलाबुंग में मिलता है, तो तलाबुंग से ले लेंगे हम लोग। कल गया मैं बाहर में, अभी पहली बार तो वहाँ पे बुक रूम है तो खुला कि नहीं खुला है वो देखता हूँ पहले, शायद मेरे ख्याल से नहीं खुला है, तो थोड़ा बुक रूम वगैरह जो है लेट करके थोड़ा खुलता है, और यहाँ पर नहीं खुलेगा तो मैं उधर में जाऊँगा उस तरफ, नहीं खुला है उसमें है बुक रूम, तो बुक रूम वगैरह अभी तक तो खुला नहीं है, तो मैं इस तरफ जाके देखता हूँ, बैक करके रिटर्न करके जाके देखता हूँ। इस तरफ भी बुक रूम अभी तक खुला नहीं, तो अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम पे, तो इसके आगे में एक एसबीआई का एटीएम है, अगर दूसरा एटीएम से भी पैसा निकालेगा ना तो कमीशन वगैरह बहुत काटते हैं, तो 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ ऐसे काटते हैं, तो मेरे को 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ लोन नहीं देना है, इसमें से मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना, तो इसलिए एटीएम जा रहा हूँ। और बुक रूम खुलेगा तो ये क्या हंस रहा है भाई, मेरे को क्या बोल के हंस रहा है मेरे को पता नहीं, हंसने दो, ब्लॉग बनाना मेरा काम है और हंसना लोगों का काम है, तो पैसा निकाल के फिर जो भी सामान लेना है ले लूँगा। और मेरे को एक दो जो कोकुम्पर का सीट वगैरह होता है ना, वो सीट भी लेके जाना है मेरे को, तो हेड सर का मैडम ने बोला है, तो कोकुम्बर का सीट, जो किरा का सीट मेरे लिए लेके आओ बोल के, उस एक दो सीट लेके आओ बोल के, और बांजे के लिए भी लेके जाना है सीट। ये एटीएम भी थोड़ा दूर है यार, इधर एटीएम भी बंद करता है मालूम नहीं, रात को कभी कभार बंद रहता है कोई एटीएम, वो बंद करता है मालूम नहीं। लो भाई एटीएम बंद है, मैं बोल रहा था ना यहाँ पे एटीएम वगैरह बंद कर देते हैं, ये देखो बंद है, यहाँ पे एसबीआई का एटीएम है लेकिन बंद है, मेरे को पता नहीं चलता यार रीज़न क्या है लोग बंद करने का, एटीएम रीज़न क्या है, चाहे पैसा रहे या ना रहे, तो मेरे ख्याल से खुलना चाहता ना, वो एटीएम क्यों बंद रखता है मेरे को पता नहीं। एटीएम किसको बोलते हैं, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सब कुछ बोल सकते हो भाई, एनी टाइम मनी भी बोल सकते हो एटीएम का, वैसे भी तो उसका मेन प्रॉब्लम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन मैं बोल रहा था ना अभी आप लोग का सामने एक ग्रुप ही है, यहाँ पे बंद करके रखता है एटीएम जो है, मेरे को समझ में नहीं आता है ये। अभी उस तरफ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट है ना, जो सब्ज़ी मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ पे जाऊँगा, सीट कोकुम्बर का सीट वगैरह ले लूँगा मैं, तो उसके बाद वहाँ से और बहुत सारा ढेर सारा एटीएम पड़ता है, तो वहाँ से पैसा वगैरह निकालूंगा, तो वहाँ से सीट वगैरह ले लूँगा। अभी चलते हैं, यहाँ से दूर है, मैं पैदल जाऊँगा कि ऑटो पकड़ूँगा मालूम नहीं, देखते हैं, अगर जाते जाते थक जाता हूँ तो मैं ऑटो वगैरह भी पकड़ सकता हूँ। ये जा रहा हूँ ऊपर का तरफ रास्ते से, और मैं सोच रहा था अभी तक मैंने यहाँ पे टू व्हीलर का टैक्सी जो है मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, टू व्हीलर टैक्सी होता है ना, तो एक बार ट्राई करूँगा, क्या सोच रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा दूर तक जाके देखूँगा मैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से थोड़ा 5-6 महीने के रास्ता पर, क्योंकि एक बार भी मैंने ये टू व्हीलर टैक्सी ना तो मैंने ट्राई नहीं किया लुंगले में जब भी आता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं रिसेंट ही बोलूँगा मैं,
पिछले बार आया था और इस बार मैंने देखा है टू व्हीलर रिक्शा, इससे पहले शायद मैंने देखा नहीं सर, अभी ज़्यादा हो गया ये टू व्हीलर रिक्शा जो है। तो मैं पैदल जाते जाते मेरे को आधे रास्ते पे एक दुकान मिला है, तो उस दुकान से बापू के लिए शॉर्ट देख रहा हूँ, देखो सेकेंड हैंड का है। वो बोल रहा है मेरे को मत लेना कैमरा में, बोल रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ देखो बापू के लिए शॉर्ट, क्योंकि बापू के पास शॉर्ट नहीं है ना, और ऊपर में टॉप तो बहुत है बापू के पास टी शर्ट वगैरह, लेकिन शॉर्ट नहीं है, तो इसलिए देख रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया है लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा है भाई, 250 रुपया बोल रहा है, 250 रुपीज़ बोलता है, लेकिन 200 रुपया में ले सकेगा बोलता है। सेकेंड हैंड का भी यहाँ पे 250, 300, 400, 500 जितना चाहो उतना का सेकेंड हैंड का मिलेगा यहाँ पे। अभी देख, क्योंकि उसका पास पेन नहीं है बापू का, तो इसके कारण मैंने ले लिया है, थोड़ा बाल करके लिया है, क्योंकि बापू के पास शॉर्ट बहुत कम हो गया ना, तो इसी कारण मैंने 500 ले दिया है। देखो कम नहीं करते यार, 200 रुपया बोलते हैं, 200 रुपया तो मेरे को 50 रुपया कम किया है, तो पास लिया है मैंने, तब जाके 50 रुपया कम किया। लेके जाने का तो मन करता है, बहुत अच्छा है सब, बहुत अच्छा अच्छा है, इतना बढ़िया बढ़िया है सब, लेकिन बापू के लिए छोटा होगा ये, सबसे बड़ा मेरे को ये पसंद आया, लेकिन बापू के लिए छोटा होगा ये पेन जो कितना बढ़िया है, लेकिन छोटा होगा बापू के लिए, खाली 1-2 महीना पेन चकेगा, उसके बाद ये पेन नहीं चकेगा बापू, तो इस बार मैं लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये बहुत लास्टिंग करते हैं दोस्तों, अच्छा अच्छा रखेगा तो बहुत लास्टिंग होते हैं। मैंने 5 ले दिया है देखो, अभी चलता हूँ मैं सब्जी मार्केट को, टू व्हीलर टैक्सी मतलब एक्सपीरियंस करना था, लेकिन नहीं करूँगा सोच रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा से बापू के लिए एक पेन तो कर ही दिया मैंने, तो इसके लिए वो पैसा बचाऊँगा, मैं इसे ही पैदल घूमूंगा, जितना भी दूर हो पैदल घूमूंगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बापू के लिए शॉर्ट मिला है ना, क्योंकि उसका मम्मी ने बोला यानी के टाइम में अगर शॉर्ट वगैरह मिलेगा तो बापू के लिए ले लेना ज़रूर, इसलिए मैंने ले लिया है देखो। तो पैसा वगैरह भी निकाल दिया मैंने, बहुत दूर आना पड़ा भाई, जहाँ पे हॉस्पिटल है ना मैं जहाँ पे दिखाने के लिए आता उसका नज़दीक ही है, उस दिन हम लोग जो पैसा नहीं मिला था ना जो ATM से वहाँ पे आया मैंने, बहुत दूर आया पैदल, अभी और जा रहा हूँ वास्ते करके, अभी पैदल ही जा रहा हूँ, अभी ऑटो वगैरह और टू व्हीलर टैक्सी वगैरह नहीं लूँगा, अभी पैदल ही घूमूंगा मैं, पैदल ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे जाने के टाइम में मेरे को वो सब्जी मार्केट में जाना पड़ेगा, कुकुम्बर का सीट लेना है ना जो मैडम के लिए, चार का मैडम के लिए, तो कुकुम्बर सीट देखूंगा मैं। धूप तो दे रहा है लेकिन सुबह धूप दे रहा था, लेकिन बारिश देगा जैसा लग रहा है, अभी इस तरफ होके जाऊँगा मैं सब्जी मार्केट, ऐसे ही जाते इस तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कुकुम्बर का सीट इस तरफ भी मिलता है। बढ़िया लग रहा है, घूमने में मज़ा आ रहा है भाई, साइड में दुकान दिखेगा सब, लेफ्ट में राइट में दाएं में बाएं में सब दुकान ही दुकान है, जहाँ पे कल यहाँ पे मार्केट पड़ेगा, गाड़ी आ रहा है मेरे को पता नहीं कौन बाजार है, तब जो कि मालूम चला, कल यहाँ पे सब्जी मार्केट है ना जो बड़ा करके पड़ते हैं सतरदे मार्केट, और पिछले बार जब आया था आप लोग देखा होगा ये पूरा भीड़ था, यहाँ से ही शुरुआत होता था मार्केट, यहाँ से पूरा नीचे तक, और सेकेंड हैंड का बंदर वहाँ से स्टार्ट होता था भाई, कल तो सेकेंड हैंड का बंदर और मिलेगा, लेकिन बापू के लिए जो ये अभी जो लिया है ना मैंने, ये जो लिया है शॉर्ट बापू के लिए, ऐसा वाला शॉर्ट नहीं मिलता है, मैंने पिछले बार भी आया था उस टाइम भी नहीं मिला था, अच्छा अच्छा ये बहुत बढ़िया है, और थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा चीज मिलेगा, और ये बहुत लास्टिंग करते हैं, 5 सेकेंड से ज़्यादा लास्टिंग करते हैं सेकेंड, तो अभी मैं इस तरफ करके चल रहा हूँ, और कुकुम्बर का सीट देखना है बस, कुकुम्बर का सीट लेके मेरे को जाना है बस रूम पे, और कुछ वगैरह तो लेना नहीं है मेरे को इतना, जो यहाँ से शुरुआत होता है ना जो सेकेंड का बंदर वही है देखो, लेकिन मेरे को एक और ये लेना है भाई, छत्रा लेना है, चट्टा, हाँ चट्टा लेना है मेरे को, मन का बोला एक चट्टा ले लो, क्योंकि पिछले बार जब आया था उस टाइम चट्टा भी नहीं लिया था हम लोगों ने, तो इस बार तो पक्का लेना है, देखते हैं मैं आज लूँगा कि सेकेंड हैंड वाला ही लेंगे, सेकेंड हैंड अगर वाला ज़्यादा बेहतर होते हैं, आज लूँगा कि कल लूँगा मार्केट से, देखते हैं अगर कल मार्केट से थोड़ा कमती में मिल जाए तो, लेकिन पहला जैसा नहीं है भाई, पहला मार्केट जैसा मार्केट वगैरह पड़ेगा तो बहुत कमती में मिलता था, अभी जो है बहुत महंगा बोलते हैं, सेकेंड हैंड वगैरह भी बहुत महंगा बोलते हैं। अभी देखता हूँ मार्केट के अंदर कुकुम्बर का सीट है कि नहीं, तो फाइनली मैं ढूंढते ओ कीरा का सीट भी मिला है मेरे को, और अभी ले लिया मैं 200 रुपया का, यहाँ पे देखिए दुनिया भर का जो सीट है मिलेगा आपको
और कद्दू का और केरला का और खीरा का बीन्स का सब मिलेगा यहाँ पे देखो। और ये देखो मैं ऐसा वाला लिया है जो खीरा का है ना, हम लोग मम्मरा बोलते हैं उसका है ये, जो जूम कल्टिवेशन में करता है ना दोस्तों, लंबा लंबा आता है ये, खीरा से ज़्यादा बड़ा होता है। खीरा तो छोटा छोटा होता है जो बंगाली लोग खाते हैं, खीरा वहाँ पर मिलता है वो ऐसा नहीं है, ये बड़ा बड़ा होता है हम लोग का जूम कल्टिवेशन में। तो लिया है मैंने और एक पैकेट 50 रुपया बोलता है हंटी देखो। और अभी चलता हूँ, ये भी ले लिया है मैं 200 रुपया का लिया है क्योंकि मैडम ने बोला है 200 रुपया का लेके आओ बोल के, 200 रुपया का हो जाएगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे तरफ करके जाऊँगा, अभी नीचे होके ऐसे करके जाऊँगा मैं, क्योंकि इस तरफ जाऊँगा तो थोड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा और नीचे तरफ जाऊँगा तो थोड़ा शॉर्ट कट हो जाएगा। और बापू के लिए मिठाई वगैरह जो यहाँ से जाने के बाद बर्थडे वगैरह मनाना है ना हम लोग बापू का बर्थडे, तो इसलिए मिठाई वगैरह ले लूँगा यहाँ से ले लूँगा, फिर देखता हूँ क्योंकि काफ़ी महंगा है भाई एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे दिमागरी से मिल के यहाँ पे काफ़ी महंगा होता है चीज़ें। अभी चलता हूँ तो मैं अकेला घूमते घूमते और साले साहब को भी मिल गया है, वो खैर ऑफिस में गया था राशन कार्ड का ऑफिस में। तो अभी यहाँ के जाने के टाइम में पहले तो बुक रूम नहीं खुला था, तो यहाँ पे जाने के टाइम में वहाँ पे बुक रूम है तो वहाँ पे ही देखेंगे। अभी जो बुक ले देने वाला था ना मैं तीसरी स्टूडेंट लेने के लिए बोला था यार, बुक जो है फोटो खींच के लेके आया है, अभी वो खरीदेंगे। बुक रूम खुला है कि नहीं खुला है वो लेना ज़रूरी है भाई, क्योंकि उन लोगों ने पैसा भी दिया है। आज का मौसम ठीक है भाई, इतना धूप भी नहीं है, इतना ये भी नहीं, काला भी नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा धूप। हाँ अभी चलते बुक रूम के अंदर घुस गया है, देखते हैं अभी दिखाना पड़ेगा बुक को है कि नहीं, तो इसमें नहीं है बोल रहा था तो और दूसरा में देखना पड़ेगा, क्लास 3 का है। तो अभी चलते हैं दूसरा के, क्योंकि ये लेना ज़रूरी है भाई, तो अगर नहीं लेंगे तो वो बोलेगा कि हम लोग का पैसा खा दिया भूख वगैरह लेके नहीं आया, हम लोग का पैसा खा दिया उसने, ऐसे ही सोचेगा। अभी उस तरफ एक बुक रूम है वहाँ पे देखेंगे, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा में देखा और तीसरा में आ गया और यहाँ पे देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं है भाई इसमें नहीं मिला है, थोड़ा दूर में है, जब कल जाएंगे कल मार्केट वगैरह थोड़ा घूमेंगे तो देखेंगे वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकता है, ट्राई करेंगे एक मौके ले लेते ना, एक ले लो पकड़ते मैं और एक मौके ट्राई कर लेते हैं हम लोग कब और बिजी बोला तो ना ऐसी बोला बहुत बिजी बोला तो 30 रुपया बोल रहा है भाई, उस दिन भी आके खाया था ना हम लोग बापू का मम्मी और मैं, लेकिन बाहर में ये मक्के में लेमन वगैरह दे देते ना तो नमक लेमन देते हैं वो अच्छा है। मक्के भी ले लिया है और साले साहब डिवाइड कर रहा है, बड़ा वाला दे दिया मेरे को कैसा है, बढ़िया भाई टेस्टी है, दाम भी तो है भाई टेस्टी होना चाहिए। एक बैग देखेंगे क्या बात करते हैं, यहाँ पे दुनिया भर का सेकंड हैंड बैग मिलेगा आप लोग को, सब सेकंड हैंड ही है लेकिन महंगा ज़्यादा है भाई, कल भी देखा था मैंने एक वो वाला देखा था 1800 बोल रहा है ये जो है ना 1800 बोल रहा है। मेरे को एक छोटा बैग चाहिए था, जहाँ भी जाता हूँ ना मैं पावर बैंक और मेरा ट्राइपॉड मोबाइल तो उसमें डाल सकूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, इतना बड़ा बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, छोटा बैग चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन में देखा था मैंने वो भी इतना पसंद नहीं आते मेरे। तो साले साहब क्या देख रहे हैं, ये बड़ा मस्त है लेकिन बड़ा है। मक्का खा खा के ब्लॉग बना रहा हूँ मैं लेकिन मज़ा आ रहा है भाई, नहीं है छोटा नहीं है बच्चे के लिए, वो देखो ये वाला देखो, लेकिन मेरे को डिजाइन पसंद नहीं है वो भी, ये भी ऐसे बता दो वो पिंक कलर होगा भी, पिंक कलर वो हाँ पिंक कलर का रंग संग मुझे भी अंदर बढ़िया है भी। वो के लिए एक स्कूल बैग देखता हूँ, वो भी नहीं है सर थोड़ा बड़ा है तो उसका पतला चाहिए, पप्पू का ऑनलाइन से ऑर्डर कर देंगे तो
अभी तक किया नहीं, ऑनलाइन से ऑर्डर करना था। अभी चलते हैं रूम पे, क्या करें, भूख तो नहीं मिला है। घर में पहुंच गया है दोस्तों रूम पे, भूख वगैरह चेक करके मक्का खा के बैग देख के घर में पहुंच गया है। और अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और एक बजे तो ये खाने के लिए जाएगा। ये अकेला खाएगा चिकन के साथ मटन के साथ? आज इनका लास्ट डे है कॉलेज बंद आज से, इसीलिए एक फेयरवेल जैसा है ना, फेयरवेल जैसा मना रहे हैं वो। बढ़िया करके खाएगा वो कॉलेज में जाके। एक साल से एक साथ रहे, आज आखिरी दिन है। वही तो एंजॉय करेगा। हाँ, फ्रेशर फेयरवेल जैसा ही है, तो ऐसे ही मनाएगा ये लोग। चिकनवा के साथ खींच के खाएगा ये, फिनिश करके आएगा। फिनिश करके आना सब। हाँ, थोड़ा सा भी छोड़ के नहीं आना, हड्डी वगैरह भी नहीं छोड़ देना। तो रात में जितना कुछ आएगा कुछ, ये बोल रहा है मैं अभी कुछ खाऊंगा नहीं, ज़्यादा पेट में नहीं डालूंगा क्योंकि वहाँ पे जाऊँगा तो खाना खा नहीं पाऊंगा बोलते इसीलिए खाली रखूंगा तुरंत जगह। सही बात है भाई, वहाँ पे जाके बढ़िया करके खा सकते हैं। शाम को मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया दोस्तों, एक्चुअली तभी आप सही नहीं लग रहा था, एकदम रात हो चुका है, खाना वाना खा के अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी हम लोग आया है मोबाइल ठीक करने के लिए, क्योंकि एक गाँव वाला है मेरे हाथ में दिया था जो स्क्रीन वगैरह उसका पानी में डुबा के स्क्रीन ख़राब हो गया था, उसके कारण वो मेरे हाथ में दिया तो वो ठीक करने के लिए आया है ये भैया का दुकान में। ये भैया बहुत बढ़िया है, यही इसका दुकान यहाँ पे ही है। और जब भी आसपास से लुंगने से देखते हो ना, कोई भी मेरा सब्सक्राइबर लुंग से देख रहा है ना, तो मोबाइल वगैरह ठीक करना है, कुछ भी चीज़ें लेना है, मोबाइल के जो ईयरफोन है फोन जो भी हो, सब कुछ टेम्पर ग्लास सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और भैया जो है बढ़िया करके ठीक कर देगा। एक बार मेरा जो पुराना फ़ोन है ना ठीक कर दिया था, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा था। तो उस टाइम से भैया को मैं जब भी आता हूँ मोबाइल वगैरह लेके आता हूँ तो गांव से यहाँ पे ठीक करने के लिए था। और आप लोग भी आ सकते हो, कोई आप लोग को मतलब मुश्किल नहीं होगा, भैया करके ठीक कर देता है, तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग भी। और लोकेशन है, लोकेशन क्या है भैया ये? लोकेशन लुंगले बाजार बैंक सिनोद बुकरूम अपोजिट। लुंगले बाजार बैंक सिनोद बुकरूम अपोजिट है ना। लोकेशन है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, लुंगले बाजार बैंक सिनोद बुक अपोजिट। और यहाँ पे आ जाना और बढ़िया करके मोबाइल बन जाना। और अभी मेरा जो लेके आता वो ठीक कर दे, अभी भैया ने बढ़िया करके बना के दिया है, जस्ट लगा है 10-15 मिनट भाई, उसके बाद एकदम बढ़िया। देखो जो फ़ोन लेके आता ना मैंने, ये देखो पहले कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अभी सब टाइम वगैरह दिखाई दे रहा है, डेट वगैरह। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया सर्विस देते यार, लिटरली बताता हूँ मैं, बहुत बढ़िया सर्विस। और जब मैं पहले मेरा फ़ोन जो पुराना फ़ोन ठीक किया था ना, उससे मालूम चला मेरे को, ये साले साहब ने मेरे को बोल रहा है, एक दोस्त है मेरा और यहाँ पे ही ठीक करता है, पहले मालूम नहीं था मेरे को भी, उस टाइम से ही मालूम चला मेरे को। अभी पैसा वगैरह देना है तो अभी हो गया है, पेमेंट वगैरह भी हो चुका है और अभी जाएंगे। और इसका ऊपर में टेम्पर ग्लास भी लगा दिया है एक्स्ट्रा करके भैया ने, और थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी चलते हैं और अपना काम भी हो चुका है। तो घर में पहुंच गया है दोस्तों रूम पे, सब लोग तो सो रहा है, अभी हम लोग सोने के लिए जाएंगे। 9:30 बज चुका है, क्योंकि वो रात को ही जिम करने के बाद ही आता है वो भैया, तो इसलिए मोबाइल वहाँ पे रात को सो ठीक करने के लिए जाना पड़ा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मैं डाला था और कुछ लोगों ने भी देखा था, शायद 100 से ऊपर लोगों ने देखा था, लेकिन मेरे को बहुत दुख लगा यार, येलो डॉलर आने से इसका मतलब इनकम होना अर्निंग होना ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। वो एक तरह का मोनिटाइजेशन ऑन करने से भी कुछ फायदा नहीं है। तो येलो डॉलर किस चीज़ का आया, मेल भी भेजा नहीं यूट्यूब ने, मेरे को कोई आइडिया नहीं। वैसे भी मैंने और वो डिलीट करके वीडियो को डिलीट करके फिर मैंने वो और नया करके एडिट किया, कुछ जगह में कुछ गलत तो नहीं हुआ, वो मेरे आइडिया से लेके मैं वो कट कर दिया, फिर अरे भी अपलोड कर रहा हूँ मैं। 7 बजे पब्लिश करना था लेकिन अपलोड नहीं हुआ, लाइन थोड़ा स्लो है, 5G स्लो हो गया, तो इसी कारण मैं कल ही डालूंगा ये, देखते और कल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या करें, वो ब्लॉग को हटा देंगे, नहीं डालेंगे और दूसरा ब्लॉग एडिट करना पड़ेगा, ऐसा ही है दोस्तों, क्या करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, कैसा लगा ब्लॉग को कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और पहली बार चैनल को विजिट कराए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।